हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, आज हम मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6 लेके आ गए हैं। और इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे स्पेशली मोलालिटी के बारे में। मोलालिटी के बारे में फिर हम परसेंटेज वेट बाय वेट देखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखेंगे और फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे। तो इतनी तरह की कंसेंट्रेशन आज हम डील करने वाले हैं बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि मोलैरिटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ कंसेंट्रेशन के बारे में भी हमने देखा था, तो आज डील कर लेते हैं बच्चों मोलैरिटी के बारे में। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है बोर्ड में कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस बताइए, ठीक है ना। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं बच्चों। एक तरफ लिखता हूं मैं मोलैरिटी, मोलैरिटी, और एक तरफ बच्चों मैं लिख रहा हूं मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम, कैपिटल एम से, सॉरी, और मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है ना। चलिए, इसका जो डिफिनेशन है बच्चों वो सबसे पहला ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट का मोल, ठीक ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, और वो होता है लीटर में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को ही बच्चों को बोलते हैं मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का एक बड़ा खूबसूरत सा टाइप है। चलिए बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में, तो बड़ा मिलता जुलता है बच्चों इसका भी डिफिनेशन। इसका है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए होता है और ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के लिए होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें रखना है बच्चों इसको हमको केजी में रखना है, ठीक है ना। तो आना चाहिए आपको ये चीज, ठीक है। तो बच्चों इसको याद करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका भी आपके पास। आप देखो इसको आप ऐसे याद रखोगे मानव, मानव, ठीक है ना, मानव, 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 ठीक है ना। एम मा, एम एम हो गया नंबर ऑफ सॉलिड हो गया न, और भी हम बोल रहे हैं बच्चों वॉल्यूम को, और इसको आप याद रखोगे मानव, मानव, ठीक है ना, मानव, इसको लिखेंगे मानव और इसको लिखेंगे मानव। वह यहां पर नोट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको आसानी होगी दोनों को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो पहला इसका ये हो गया बच्चों। सेकेंड जो है, सेकेंड हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा बच्चों, इसका जो यूनिट हो जाएगा सेकेंड, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं मोल, और नीचे वॉल्यूम था तो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को ही बच्चों एक दूसरा नाम दिया जाता है मोलर, क्या लिखा जाता है मोलर, या इसी को हम कैपिटल एम से भी दिखाते हैं। तो 3 यूनिट यूज किए जाते हैं इसको, या तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं, या तो मोलर लिख सकते हैं, या फिर हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। अगर यहां यूनिट की बच्चों बात करें हम, अगर यहां यूनिट की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों मोल पर केजी, मोल पर केजी। सेकेंड यूनिट इसका हो जाएगा बच्चों मोलल, मोलल, और थर्ड यूनिट हम लिख सकते हैं स्मॉल एम, ठीक है ना। तो सेकेंड आप इसका यूनिट लिख सकते हो। अच्छा, थर्ड बात करें बच्चों, तो बच्चों देखो इसके फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम आया था, जबकि इसके फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट आया था। तो कहीं भी किसी भी कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले में अगर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, किसी भी कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले में अगर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है तो वो कंसेंट्रेशन हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फिर से सुनो, किसी भी कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले में
नीचे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है तो वो कंसेंट्रेशन हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब दिस इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, और ये हो जाएगा टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट, टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हो गए, आपको आना चाहिए। तो चलिए मोलैलिटी के बारे में आज बात कर लेते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों मेन न्यूमेरिकल्स जो बनेगा वो कन्वर्जन में ही बनेगा, तो कन्वर्जन जो हम सारा कंसेंट्रेशन पढ़ लेंगे तो स्टार्ट होगा। अभी मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं मोलैलिटी के लिए, ठीक है। चलिए क्या है सवाल है मोलैलिटी के बारे में, मोलैलिटी मोलैलिटी, ठीक है। सवाल है 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन, डिजॉल्व इन 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड स्मॉल एम, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं हमसे, 120 ग्राम यूरिया है घोला गया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो बताइए कि उसकी मोलैलिटी कितनी होगी। तो बच्चे बड़ा कॉमन सी गलती करते हैं यहाँ पे, है तो बड़ा आसान सा सवाल, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं हम, 120 ग्राम दिया हुआ है ना, इसका मोलर मास चाहिए हमको। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो आप जब इसका मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब पुट कर दोगे सब वैल्यूज तो आ जाएगा ये निकल के 60, 14 पुट करोगे इसका 2 पुट करोगे इसका 12 पुट करोगे इसका 16 फिर इसका 14 इसका 2, तो सबको ऐड करोगे तो बाद में आ जाएगा वो 16। तो मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे रख दोगे आप वेट, तो आप क्या करते हो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप रख दोगे 120 बाई 60 और नीचे आप रख दोगे 1000 ग्राम है तो आप केजी में बदल के रख रहे हो, तो नीचे रख दोगे आप 1 केजी, ठीक है ना। डायरेक्टली आप 1 केजी रख दोगे यहाँ पे रख दोगे आप 1 केजी और आपके आंसर आ जा रहा है 2, ये कट जाएगा तो 2 मोल पर केजी और ये सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों प्रॉब्लम को अगर आप सही से पढ़ोगे तो ये सॉल्यूशन है, इतना 1000 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है, और नीचे जो वेट रखना होता है हमको वो सॉल्वेंट का रखना होता है। तो ये कॉमन सी गलती है जो बच्चे करते हैं, आप ध्यान रखोगे हमेशा सवाल में कि आखिर वो दिया क्या है, डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा के अनुसार ही हम डील करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 120 बाई 60, तो 2 मोल आ रहा है नंबर ऑफ मोल। देखो बच्चों अगर हम बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 120 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, तो ये नहीं आ जाएगा, माइनस कर दो 1000 में से 120 घटा दो, 1000 में से 120 घटाओगे तो कितना आ रहा है, देखो तो 120 जीरो, 10 में से 2 8, ठीक है, और 9 में से 1 8, 880 आ रहा है बच्चों। तो 880 ग्राम ये हुआ सॉल्वेंट का वेट। तो जो हम निकालेंगे ओरिजिनली मतलब इसका मोलैलिटी, तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 880 ग्राम, 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा बट्टा 880, 00 कैंसिल, 2 से काटोगे बच्चों 44 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं 100 बाई 44 मोलर आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रीट करोगे अगर सवाल आते हैं तो, मतलब आप डाटा का ख्याल रखोगे, डाटा क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि सॉल्वेंट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो मोलैलिटी पे हम बात करेंगे कन्वर्जन में आगे, ठीक है ना, उस पर और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो हम कन्वर्जन करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेंट्रेशन की तरफ, नेक्स्ट कंसेंट्रेशन की तरफ, और वो है परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये थर्ड है हमारा, थर्ड कंसेंट्रेशन है। बच्चों आप जब भी कंसेंट्रेशन लिखते हो ना, आप जब भी कंसेंट्रेशन लिखते हो, चाहे मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, इवन कोई भी कंसेंट्रेशन हो, तो आप हमेशा याद रखना कि ऊपर में होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
ऊपर में क्या होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो अमाउंट मोल में ले रहे थे हम लोग, मोलारिटी के केस में भी, मोलारिटी के केस में भी, हम वेट में भी ले सकते हैं अमाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना होता है और नीचे रखना होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जैसे जैसे जब हम मोलारिटी निकाल रहे थे तो नीचे हम वॉल्यूम रखे थे सॉल्यूशन का, और जब हम मोलारिटी निकाल रहे थे तो सॉल्वेंट का वेट रखे थे। तो आपको हमेशा सॉल्यूशन का ही रखना होता है, केवल मोलारिटी में आपको सॉल्वेंट का वेट रखना होता है। तो आप याद रखोगे कि हमेशा ऊपर सॉल्यूट होता है और नीचे सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। केवल एक केस में सॉल्वेंट होता है, वो है मोलारिटी। चलिए तो अगर हम परसेंटेज वेट बाई वेट देखें तो बच्चों बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेट मतलब, अच्छा ऊपर में क्या रखना है, सॉल्यूट का वेट। ऊपर में सॉल्यूट का वेट मतलब ऊपर में हम रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें रखना है बच्चों, ग्राम में, ठीक है। चलिए नीचे भी क्या है देखिए, यहां पे पढ़िए वेट, और नीचे किसका रखना है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का आपको बस एक ही केस में रखना है और वो है मोलालिटी, अदरवाइज हर केस में आपको सॉल्यूशन का रखना है, ठीक है ना। तो नीचे क्या है, वेट, तो फिर से हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन और किस में रखेंगे इसको हम लोग, फिर से ग्राम में। अच्छा परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मूला निकल के आता है, आप इसी से फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पे W है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे W है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अगर मान लो हम फोर्थ की बात करें तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो W मतलब वेट, तो हो जाएगा ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट किस में ले रहे हैं हम लोग, ग्राम में। नीचे देखो बच्चों भी है, भी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इसको किस में लेंगे हम, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। आसान है क्योंकि यहाँ पे भी था इसीलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया, मिलीलीटर में ले रहे हैं हम, मिलीलीटर में ले रहे हैं क्योंकि ऊपर ग्राम में लिए है ना, ऊपर ग्राम में, यहाँ केजी में लेते तो यहाँ हम फिर वैसे लीटर में लेते, लेकिन हम यहाँ ऊपर ग्राम में ले रहे हैं, ऐसे हमेशा ग्राम में लेना होता है, तो नीचे हम यहाँ पर मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात कर ले बच्चों तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यहाँ भी है ना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में, मिलीलीटर में, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, 100 से, खत्म। तो बड़े आसान है ये, अगर आप अच्छे से समझ के करते हो तो ये फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। हाँ इसमें एक और चीज है, बड़ी कॉमन सी बात, देखो नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, तो मैंने क्या बोला था कि कंसेंट्रेशन जो है, वैसे कंसेंट्रेशन जिसके नीचे में वॉल्यूम हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो यहां तो नहीं है वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों देखो नीचे यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ भी नीचे वॉल्यूम आ गया, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें एक और बात है बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट को लिखने का एक तरीका है, कभी कभी सवाल में ऐसे लिख के दे देगा वो कि 5% केन सुगर बाई मास 5% केन सुगर बाई मास। तो अगर कभी ऐसा लिख के देता है 5% और यहां पे बाई मास लिखता है, इसका मतलब सिंपली बच्चों परसेंटेज वेट बाई वेट ही है, मतलब 5% वेट बाई वेट बोल रहा है वो। आप याद रखोगे हमेशा, बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी भी अगर लिख दे ऐसे कि 5% केन सुगर बाई मास, 5% यूरिया बाई मास, तो उसका मतलब यही है कि 5% वेट बाई वेट, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपके पास ऐसे लिख के आ जाए, मान लो आपके पास लिख के ऐसे आ जाए
कि 5% केन सुगर बाय वॉल्यूम। तो बच्चों इसका मतलब है 5% वेट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? 5% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आज बड़ा सिंपल सा तरीका समझ लेते हैं हम लोग, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कन्वर्जन में ही करेंगे। ठीक है ना, तो क्या क्या है समझना। मान लो बच्चों दिया हुआ है आपके पास कि 2 मोलल यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है हमसे पूछा, व्हाट इट मीन। ठीक है ना, ये सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल है कि 5% वेट बाय वेट केन सुगर फिर दिया हुआ है 5% वेट बाय वॉल्यूम केन सुगर सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। हमको तीनों का मतलब बताना है। ये मान लो लिख के दे दिया सवाल में, ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, 2 मोलल यूरिया एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मोलालिटी दिया हुआ है 2, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ध्यान से देखो, नीचे यहां पे 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोलालिटी 2 दिया हुआ था ना, तो 2/1 लिख दिया मैंने, और नंबर ऑफ इसके बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 केजी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 2 मोल यूरिया प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो एक्वस लिखा है ना, तो एक्वस का भी एक खास मतलब होता है। एक्वस का मतलब होता है कि सॉल्वेंट यहां पे वाटर है। ठीक है ना, चलिए अगला अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 5% वेट बाय वेट केन सुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब है बच्चों कि ऊपर वेट है ना, मतलब 5 ग्राम केन सुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 100 से हम इसको कंपेयर करेंगे हमेशा, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो 5% केन सुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर यहाँ वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि 5% केन सुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो इससे जो अगले सवाल बनेंगे बच्चों, इस पे जो आज मैं जनरली ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लिया हूं, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे जो अटैच होंगे, मतलब हम मोलैरिटी को किस तरह मोलैरिटी में बदले, मोलैरिटी को किस तरह हम परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट करें, तो ये सब चीजें कन्वर्जन में आएंगी बच्चों। तो पहले कंप्लीट कंसंट्रेशन खत्म होने दो, एक लेक्चर और बनेगा उसका, उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन खत्म कर चुके होंगे और फिर कन्वर्जन पढ़ लेंगे। तो पढ़ाई करते रहो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।